बिग बॉस अपडेट की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई ट्विटर पे मैं अच्छा खासा टहल रहा था और टहलते टहलते एक ऐसा ट्वीट मिला मुझे जिसको देखने के बाद मेरे सभी जगह के बाल जो है जल से गए। नेहा भासिन जो है वो कहती है प्रतीक सहजपाल की बहन को, तुम्हारा भाई जो है ना अंदर में बहुत ही प्रिटेंड कर रहा है कि वो सिंगल है, जबकि मुझे पता है कि वो सिंगल नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब इसी चीज को लिखते लिखते आगे ये भी कहती है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज के ऊपर मेरा एक ही जवाब है कि अगर कोई पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड या अपना रिलेशनशिप है उसके पास में तो वो उसकी मर्जी है, वो दुनिया को बताते फिरे, दुनिया को शो ऑफ करे या फिर वो उसको सीक्रेट रखे, वो उसका पर्सनल टेक है। हु द हेल आर यू टू जज दैट पर्सन कि भाई ये बंदा जो है क्या उसने उस वक्त में घर के अंदर किसी और के साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश की है, क्या उसने ये बोला है कि मुझे ये लड़की पसंद है या फिर उस लड़की के साथ में फ्लर्ट करना चालू किया। भाई ये नेहा आंटी को जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उनको कोई भाव नहीं दे रहा था, खुद जब अपने टाइम पे थी बिग बॉस के अंदर में तो ओटीटीएंस करके इतना पकाया ना कि भाई उसकी कोई लिमिट नहीं थी, और आखिरकार जनता और बिग बॉस वालों ने ये देख लिया इससे कोई भी कॉन्टेंट नहीं मिलने वाला है तो लात मार के बाहर निकालो। अब अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो भाई बिग बॉस के अंदर में सबसे वाहियात अभी अगर कोई लग रही है ना तो वो है देवोलीना। ये मैडम अपने टाइम पे घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई लेकिन ये आजकल हर किसी को ये सजेशन देती फिर रही है कि कम ऑन लुक एट यू आर लुकिंग सो बैड। बहू से बेब बनने का सफर अगर ऐसा होता है ना तो मैं किसी भी बहू को बेब तो बिल्कुल भी ना बनने दूं। देखो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि जब से ये बिग बॉस के घर में एंट्री ली है तब से इसने एक ही इंसान को टारगेट किया है, वो है शमिता शेट्टी, और इसके अलावा हर उस इंसान को टारगेट करने की कोशिश की है जिससे इनको फुटेज मिल पाए, और इन्होंने ये काम बखूबी निभाया है जिसके ऊपर में शमिता शेट्टी पूरे तरह से इरिटेट हो गई। शमिता शेट्टी का रिएक्शन जो है पिछले कुछ दिनों से ऐसा है कि भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं रहना है, इसने आकर के जो है पूरे तरह से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही टारगेट किया है। अब इनके साथ साथ एक और वाहियात इंसान घूम रहा है, मुझे नहीं पता कितने महाराष्ट्र के लोग जाकर के कमेंट सेक्शन पे गाली देंगे, लेकिन ये बंदा जो है ना बिचकुले, अभिषेक बिचकुले, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ स्वामी ओम का कॉपी बन रहा है। स्वामी ओम जिस सीजन में थे उस सीजन में इन्होंने अपने पेशाब उड़ाए थे लॉन्डियों के ऊपर में, और ये कहते हुए कि ये लो भाई क्या दे रहे थे मुझे नहीं पता, प्रसाद दे रहे थे या फिर। तो भाई उनको चपत और पिछवाड़े पे लात मारते हुए निकाला गया था शो से, और उसके बाद उन्होंने ना जाने कितने सारे न्यूज चैनल पे पिटाई खाई भी है और पिटाई की भी है। उस इंसान को देखने के बाद से ऐसा लग गया था कि जिनके भी कंधे से लंबे बाल हो और जो आकर के अपनी औकात से बाहर लंबा लंबा छोड़ता हो वो समझ लो वो उसी तरह का इंसान है, और कुछ वैसा ही पर्सनालिटी दिखाएगा यहाँ पे, जो कि बिचकुले ने आते ही सबसे पहला फेंका कि भाई वो हिंदुस्तान का पीएम बनना चाहते हैं, जिसके रिप्लाई पे भाई उमर का कहना था, उमर जैसे बंदे का कहना था, मैं इसे अपने एरिया का कॉमरेड खड़ा ना करूं तो इसको पीएम के लिए वोट देना तो दूर की बात है। भाई साहब ने आते ही एक और लंबा सा छोड़ा कि मैं पूरे दिन में एक ही बार जाता हूं। भाई सभी एक ही बार जाते हैं, और जब इमरजेंसी आती है तो 2 नहीं 10 बार भी जाते हैं, जो कि बहुत आर्ग्यूमेंट करने के बाद इन्होंने राखी से कहा कि हाँ मैं जाऊंगा, वो तो अब तो जाना ही पड़ेगा अगर आ गया तो। भाई साहब खाना और पीना इसलिए कम करते ताकि इनको जाना ना पड़े, और सलमान खान का ये कहना था कि क्यों नहीं जाते तो कहते वो मुझे बदबू नहीं पसंद, तो भाई उनको खुद का बदबू नहीं पसंद। अब उसके बाद से जो हरकत हुई उनका ये कहना था कि मैं चाटूंगा कुत्ती तितलियां पंखुड़ियां जितनी है सबकी चाटूंगा, ये सुनने में मुझे आया था पहले। उसके बाद से जब उसी फुटेज को दोबारा देखा गया थोड़ा सा हम लोगों का ब्रेन वॉश करने के बाद में, तो फिर हमें ये सुनाई दिया कि वो चाटूंगा कह रहा था, चाटूंगा, चाटूंगा नहीं, पर हवा में कहने का मतलब क्या होता है। ऐसे तो मैं भी अपने घर के बाहर में खड़े होकर के किसी के बारे में भी कुछ भी कहूं बस बिना नाम लिए तो भाई इससे क्या लड़ाई होने की संभावना खत्म हो जाती। और उसके ऊपर में सलमान खान कहते हैं वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ कंटेंट, वी डोंट कंसीडर दिस काइंड ऑफ एक्शन एज एंटरटेनमेंट। तो भाई ठीक है, फिर आप बिग बॉस का शो चला क्यों रहे हो, हम जैसे कमीनी लोग इसीलिए बिग बॉस देखते हैं कि भाई कुछ हो, कुछ धाम धुड़ूम हो। अब मैं बिग बॉस बीच बीच में देखना सिर्फ इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि सब गुडी गुडी रहते, कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, ना कोई मुद्दा उठा रहा होता है, ना कोई लड़ रहा होता है, ना कोई धक्कम धुक्की हो रही है, ना कोई गाली दे रहा होता है, तो इसी चीज के लिए तो ऑडियंस आती है पर्सनालिटी जानने के लिए, और हीट ऑफ द मोमेंट में कौन कितना खुद को कंट्रोल कर पाता है और कितना अपने आप को बाहर निकाल के रखता है, यही तो शो का कॉन्सेप्ट है ना। पर नहीं, पिछले 15 साल से ये लोग जो चला रहे हैं वो आज आकर के बदल गए, एंड फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, दिस इज द सेकंड टाइम। लास्ट सीजन में भी कुछ ऐसा हुआ था कि सलमान खान सब कुछ बोल रहे थे, पहले एक शर्म हया हुआ करती थी एंडमॉल की तरफ से या फिर टेलीविजन वर्ल्ड की तरफ से कि भाई अगर कोई कुछ गंदा बोल रहा है तो ब्लर कर देते या वो वाला शॉट जो है पीछे से दिखा देते ताकि किसी को समझ में ना आए कौन सी गाली दी गई है। अब तो सलमान खान सीधा कहते हैं ass fuck क्या है, तुम खुद बोलो तो सही है, कंटेस्टेंट अगर बोले तो।
मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि आपकी क्या विचारधारा है कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से एक डालने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहो। उस पे मैं बात करूंगा करण कुंद्रा के बारे में, प्रतीक सहज पाल के बारे में, और वो अपना झांता जो है मुझे जानती है तो उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि उसी को लेकर के जो है अपने सल्लू भाई बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। तो भाई स्टे ट्यून्ड। चैनल पे नया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।